हेलो गायज, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, शाम का समय हो चुका है और गायज फिर से आप लोगों का एक नया ब्लॉग वीडियो में स्वागत करते हैं। शाम को वीडियो बनाने का मेन कारण यही है कि आप लोगों प्यार, दुलार, मोहब्बत, सपोर्ट से मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया गायज। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दिल से शुक्रिया। तो गायज, हम बताना चाहते हैं आप लोगों को मैंने यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट किया और 1000 तक कैसे पहुंचा, इतना दूर का आपको सफ़र बताएं, क्योंकि इतना ही दूर का मेरा सफ़र है यूट्यूब पे, तो यही बताएंगे आप लोग को। तो गाइस, जो वीडियो को नहीं लाइक किए लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइस, आप लोग को बताते हैं हम अपना जर्नी। तो गाइस, यूट्यूब पर वीडियो बनाने का आइडिया मुझे आया जब मैं पहले भी यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखता था और ऐसे भी फ्री टाइम में जब भी रहता था तो यूट्यूब पर ही वीडियो देखता था। तो मुझे आइडिया आया मैं एक ऐसे ही बस घूमने के लिए जा रहा था। बहुत दिन से मेरा था, मैं जब मैट्रिक जब पास किया था तो मैट्रिक पास करने के बाद मैं गया था हजारीबाग पढ़ने के लिए। तो हजारीबाग कोरा चौक में रहता था, तो बहुत टाइम उधर पर जब मैं मैट्रिक उट्रिक कम्प्लीट कर लिया था, बहुत टाइम हो गया था घर तरफ, लॉकडाउन वॉकडाउन सब घर तरफ रहे, तो बहुत बार दिमाग में आता था कि हजारीबाग तरफ एक नया रेलवे रूट बना था। तो मुझे लगता था कि रेल से एक बार जाना चाहिए घूमने के लिए कैसा है, ट्रेन से कैसा लगेगा जाने में, क्योंकि तिलैया डैम भी देखना है, सारा चीज़ कैसा लगेगा देखने में। तो गाइस, फिर हमने एक दिन मन बना ही लिया कि चलो अब चलते हैं ट्रेन से। उस टाइम तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, मैं जैसे स्टेशन पहुंचा मैंने सोचा कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिर मुझे, अब तो भाई आपको पता है कि जब फर्स्ट टाइम कोई ब्लॉग करेगा तो उसको तो एकदम से फेस दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में फेस भी नहीं दिखाया था। मैंने बस ऐसे हल्का हल्का बोलना शुरू किया, फिर पूरा पूरी म्यूजिक पर ही मेरा पूरा वीडियो, अगर आप देखोगे फर्स्ट ब्लॉग मेरा, तो पूरा म्यूजिक पर ही चल रहा है। मैं हल्का फल्का कहीं कहीं बोल रहा हूँ, फिर यहाँ से मैं बड़का काना गया, बड़का काना में बस थोड़ा सा बोला, वीडियो को एंड किया और वहाँ से फिर मैं बस पकड़ कर आया। तो गाइस, मेरा फर्स्ट ब्लॉग वही था और उसी के जरिए मैंने अपना यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट किया और उस पर रिस्पांस मुझे अच्छा खासा मिला। जब मैं वीडियो अपलोड किया तो उसमें 100 व्यूज चल गए मुझे एक दिन के अंदर। तो मुझे लगा यार यूट्यूब तो अच्छा चीज़ है। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि भाई कैसे आपको वीडियो अपलोड करना है, कैसे इसको जो है सो थंबनेल वगैरह सारा चीज़ बनाना है कैसा। तो मेरा चैनल भाई वेरीफाइड भी नहीं था, मोबाइल का वेरिफिकेशन नहीं था, जिसका नतीजा था कि मुझे कस्टमाइज थंबनेल नहीं लगा पा रहा था मैं। तो फिर मैंने वीडियो सर्च करना शुरू किया कि कैसे इसको वेरीफाई करते हैं। फिर मनोज दे सर का वीडियो आया, गाइस सभी लोग का दिल लगता है उनके नाम से। तो जो जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे वो लोग भी कभी ना कभी मनोज दे सर का वीडियो जरूर देखे होंगे। तो गाइस, मैंने उनका वीडियो देखा तो मुझे पूरा कंप्लीट उसमें A to Z जो जो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था वो सारा चीज़ का सोल्यूशन मनोज दे के वीडियो में मिल रहा था मुझे। तो मैंने उनका वीडियो से फिर टैग वगैरह लगाना सीख लिया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना सीख गया, उसके बाद थंबनेल बनाना सीख गया, फिर मैंने टाइटल कैसे लगाते हैं वो चीज़ लगाना सीख गया और उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो गाइस, वीडियो बनाता गया, बीच बीच में एक आध दो शॉर्ट भी डाला मैंने, शॉर्ट पर ज़्यादा व्यू नहीं आया, बट हाँ अपना जो ब्लॉग वाला चैनल था उस पर मतलब कम से कम 100-150 व्यू 200 व्यू तो आ ही रहा था मेरा। तो बार बार मैं कभी कभी फिर डिमोटिवेट होने लगा कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा। एक बार हुआ क्या कि मेरा भाई था जो वीडियो को कुछ लोगों को दिखाया और चैनल को सब्सक्राइब कराया, तो एक दिन में भाई 40-50 सब्सक्राइबर बढ़ गया मेरा, बढ़ गया। तो मुझे लगा यार इतना ज़्यादा मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, फिर से तुरंत डाउन हो गया। फिर मैंने यूट्यूब पर देखा तो फिर भी मैंने मनोज देखा वीडियो देखा, फिर मैंने बोला कि भाई यार ऐसा कैसे हो गया मेरा चैनल जो है फिर से डाउन कैसे हो गया। फिर उसमें देखा तो उन्होंने कहा कि चैनल को कभी भी व्हाट्सअप वगैरह पर, फेसबुक वगैरह पर शेयर नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं शेयर किया भाई, कौन शेयर कर दिया यार मेरे चैनल को। फिर मैंने अपना भाई को पूछा तो उसने बोला कि हाँ मैं शेयर नहीं किया, लेकिन बैठे हुए थे एक जगह ग्रुप में तो सब लड़कों को मैंने आपका वीडियो दिखाया तो सबको चैनल सब्सक्राइब करवा दिया। मैंने बोला यार वैसे नहीं करना है, वैसे करने से प्रॉब्लम हो जाती है। देखो इस सही से बोल रहे हैं हमारे YouTube के जितने भी गुरु लोग हैं, वो लोग ये चीज़ नहीं करने के लिए बोलते हैं भाई, जो चीज़ नहीं बोलते वो चीज़ को नहीं करना है। तो बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने सबको बोल दिया घर में कि किसी के पास भी अपना लिंक को शेयर नहीं करना है, जो मेरा वीडियो देखना चाहता है वो देखे, नहीं देखना चाहता है मत देखे। तो उस समय तो मेरा सडनली 100 सब्सक्राइबर हो गया था 3-4 वीडियो डालने के बाद। फिर मैंने वीडियो कंटिन्यू बनाते गया। इसमें प्रॉब्लम भाई कहाँ फेस करना पड़ता है कि मेरा घर तरफ जो है सो नेटवर्क नहीं है, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ 10 किलोमीटर के रेडियस में नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है। अब सोचो उस सिचुएशन में आदमी कैसे कोई ब्लॉग कर पाएगा, कैसे कोई वीडियो अपलोड कर पाएगा। वीडियो बना हुआ रहता है फिर भी नहीं, मैं नहीं अपलोड कर पाता हूँ, जिसका नतीजा है कि
कभी कभी कॉन्टीवेंसी नहीं बन पाती है। तो फिर भी मैंने बोला चलो प्रॉब्लम है तो है, जारी ही रखते हैं, जो भी हो जाए, जो भी मिले ब्लॉग में बनाता ही जाओ, ब्लॉग में डालता ही जाओ, क्योंकि किधर उधर घूमने का भी मौका नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं मेरा ब्लॉग में ज़्यादातर गया जाता हूँ, क्योंकि गया मेरा नज़दीक है, यहाँ से टिकट ट्रेन पकड़ता हूँ, 30-40 रुपये में गया पहुँच जाता हूँ, बोध गया वगैरह घूर कर आ जाता हूँ, तो वो हो गया। फिर एक बार राजगीर वगैरह गया था मैं घूमने के लिए, तो उस ब्लॉग पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स था। अब भाई 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं कम्प्लीट हुआ है उस समय तक, और अभी जो है सो अब कितना व्यूज़ क्या कर सकते हो, मान के चलो सोचो कि अगर मैंने यूट्यूब पर देखा था वीडियो जब मनोज दे सर के, कि आखिर व्यूज़ कितना आ सकता है मेरा, तो उन्होंने एक अप्रोक्सीमेटली बताया था मुझे कि 20% 10% भी अगर आपका अगर व्यूज़ आ रहा है, जितना सब्सक्राइबर है उसका 10% भी अगर आ रहा है व्यूज़, तो समझो आपका चैनल चल रहा है, आप कंटिन्यू वीडियो बनाते रहिए, आपका चैनल चलेगा ही चलेगा, एक ना एक दिन उठेगा चैनल, एकदम डायरेक्ट से चाहोगे एकदम बूम करे तो तुरंत नहीं हो सकता। तो गाइस उसी तरह से मैंने मेंटेन करके अपना ब्लॉग चैनल को धीरे धीरे ग्रो किया, और अभी डेट में मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर है। तो यही मैं आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि भाई आप लोगों ने मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाया, इसी तरह से प्यार बनाए रखे सारा चीज़। बाकी मैं बहुत जल्द बहुत दूर तक ट्रिप करने के लिए सोच रहा हूँ, बट अभी थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंट आ जाए उनका समय, इसके लिए भी बहुत ग्रेड अप करने वाला हूँ, अपग्रेड तो करूँगा ही करूँगा, क्योंकि YouTube पर अगर ग्रो करना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। फिर भी मैं मेहनत बहुत ही ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि सोचो आप 10 किलोमीटर दूर में जाता हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, मैंने बहुत से ब्लॉग में बताया, मैं बार बार नहीं बताता हूँ, लेकिन चलो ये स्पेशल मेरे YouTube चैनल से रिलेटेड वीडियो है तो मैं इसमें आप लोग को बता देता हूँ। 10 किलोमीटर तो मैं जाता ही जाता हूँ, मैं तिलैया हमेशा आता हूँ, क्योंकि वीडियो अपलोड करना पड़ता है मुझे, गाँव तरफ रह के अपलोड कर ही नहीं सकते। अगर आप मैं अभी लगा दूँ ना अपलोड पर, अगर मैं अपने गाँव में अगर रहूँ और अगर मैं अभी अपलोड पर वीडियो लगा दूँ तो 2 दिन लगता है भाई, 2 दिन, 2 GB का वीडियो कम से कम 14-15 मिनट का, इसलिए कभी कोई ब्लॉग मेरा छोटा रहता है 6-7 मिनट का, मैं बहुत ज़्यादा पार्ट्स को काट कर हटा देता हूँ, क्योंकि वीडियो छोटा रहेगा अपलोड जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू भी बहुत ज़रूरी है यूट्यूब पर, मैंने ऐसा बहुत सुना है और मैं इसको पर्सनली अब समझ भी गया हूँ कि बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूटी बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है यूट्यूब पर, खास करके ब्लॉग चैनल, क्योंकि आप रोज़ अगर कुछ ना कुछ नया डालोगे, कुछ ना कुछ नया कंटेंट दोगे, तो लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो फिर से एक बार आप लोगों को कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर गाय चैनल जो जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जो नए नए हैं हमारे वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी तरह हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।